last respiratory electron transport chain. इसी को हम ये कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. सबसे पहले हम NADH जो अभी तक बने हैं ये सारे कैलकुलेट करते हैं कि कितने NADH है हमारे पास. अच्छा जी बताएं ग्लाइकोलाइसिस के कितने NADH हैं. ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 NADH. इसी तरह पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन से कितने मिले थे. पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन से हमारे पास 2 NADH आए. और फिर इसी तरह क्रेब्स साइकिल से कितने. क्रेब्स साइकिल से 6 NADH बने. इसी तरह हमारे पास FADH2 कितने 2 है. और ये 2 FADH2 कहाँ से आए. ये क्रेब्स साइकिल से. हमने इन्हें फोकस करना है कि ये जो 2 कितने NADH है हमारे पास 10 NADH है और 2 FADH है. ये जो रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें हमने इनको कंसीडर करना है और इनको लेके चलना है इनसे आगे ATP प्रोड्यूस कराने. फिर हम ये देखते हैं कि ये जो रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं. इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं. सबसे पहले इसमें कोएंजाइम क्या हुए और इसके साथ साथ इसमें क्या है साइटोक्रोम्स हैं डिफरेंट. और भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साइटोक्रोम्स के साथ साथ इसमें क्या है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या चीज़ है वो जी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अब ये 3 मेन चीज़ें हैं जो चाहिए किसके लिए रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए चाहिए. कोई जान क्यों साइटोक्रोम टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको साइटोक्रोम का बता दूं कि साइटोक्रोम्स क्योंकि एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स हैं इस तरह की ये प्रोटीन्स हैं. इनके अंदर क्या है इनके अंदर है जैसा हीमोग्लोबिन में हीम पोर्शन होता है ना तो इसके अंदर भी क्या है हीम पोर्शन है और उसमें क्या है आयरन. तो ये हीम पोर्शन क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप पे क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप पे. साइटोक्रोम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक पार्ट है और इसके साथ अटैच है तो ये क्या होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप और बाकी ये क्या है प्रोटीन एंजाइम. तो ये साइटोक्रोम साइटोक्रोम्स की डिफरेंट फॉर्म्स है. हमारे पास साइटोक्रोम सी है साइटोक्रोम बी है साइटोक्रोम ए है साइटोक्रोम ए 3 डिफरेंट साइटोक्रोम्स. अब हम ये देखते हैं कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ये कहाँ पाए जाते हैं. ये जो रिस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये किस जगह चलता है. ये जो माइटोकांड्रिया है माइटोकांड्रिया के अंदर आपने पढ़ा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनवर्ट फोल्ड होती है और क्रिस्टी बनाती है. ये क्रिस्टी है हमारे पास और इन्हीं क्रिस्टी में F1 पार्टिकल भी आपने पढ़े थे और इधर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा. मैं थोड़ा सा ये पोर्शन ले लेता हूँ इसका एक माइटोकांड्रिया का ये वाला पोर्शन इसको हम बाय बनाते हैं. ये कौन सा पोर्शन है इनर मेम्ब्रेन का. ये जो क्रिस्टी है इसका जो इनवर्ट फोल्ड है ये वाला क्रिस्टी इसको हम बाय बनाएंगे. इसी की मेम्ब्रेन को हम जरा इस तरह करके बना लेते हैं. ये एक मेम्ब्रेन इसको बहुत मैग्नीफाई कर दिया हमने. अच्छा इधर कौन सी जगह होगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन सी जगह है. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये वाली जगह होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में. इसको आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं आउटर
कंपार्टमेंट एंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जगह कौन सी होगी? माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स। और ये क्या चीज है असल में? ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले कोएंजाइम क्या होंगे, उसके बाद साइटोक्रोम, बोले साइटोक्रोम कौन सा है? बी। अच्छा, उसके बाद साइटोक्रोम सी, और उसके बाद साइटोक्रोम ए, और उसके बाद साइटोक्रोम ए थ्री। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे वो जो F1 पार्टिकल है, हमने कहा था वो क्या होते हैं? F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेज होते हैं। ये एटीपी सिंथेज है, एटीपी सिंथेज, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अच्छा, ये जो एन ए डी एच है, NADH क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कोएंजाइम के ऊपर, और इसके प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो गए। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम के ऊपर देगा तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में? NAD, NAD प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके लो एनर्जी कोएंजाइम के ऊपर के पास जाएंगे तो इस दौरान क्या होगी? वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे, इस एनर्जी से क्या होगा? यहाँ से प्रोटॉन ऊपर मूव करेंगे। किधर से? माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन मूव करके किधर चले गए? आउटर कंपार्टमेंट में चले गए, इस जगह चले गए। जो एनएडीएच ने जब इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों को दिए, तो को एंजाइम क्यों अब क्या हो गया है? को एंजाइम क्यों हो गया है? ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ये क्या हो गया? रिड्यूस। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? साइटोक्रोम बी को देगा। तो इस दौरान कोई एटीपी बनेगा? आपकी बुक में जहाँ एटीपी लिखा हुआ है ना, तो वहां से मैं असल में प्रोटॉन ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ कोई एटीपी बनेगा बच्चों? नहीं बनेगा। अच्छा, फिर ये बताओ कि इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई कि यहाँ से प्रोटॉन ऊपर मूव कर सके, तो साइटोक्रोम बी से किधर जाएंगे? साइटोक्रोम सी में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ से जो एनर्जी डिफरेंस इतना है, यहाँ पे इतना एनर्जी डिफरेंस है कि प्रोटॉन यहाँ से किधर मूव कर सके? प्रोटॉन मैट्रिक्स से किधर मूव कर सके? आउटर माइटोकांड्रियल कंपार्टमेंट। इसी तरह टू इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आगे सी से ए थ्री में, ए में जाएंगे, यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन ए थ्री में चले जाएंगे, लेकिन एनर्जी हर नेक्स्ट लेवल पहले लेवल से लो एनर्जी लेवल है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ से कोई प्रोटॉन ऊपर मूव कर सके। अगर प्रोटॉन ऊपर नहीं जा रहे, प्रोटॉन ग्रेडिएंट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे और क्या नहीं हो सकेगा? एटीपी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हीं प्रोटॉन ने नीचे आके एटीपी बनाना होता है। अब ए थ्री के पास जब चले गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आगे क्या होगा जी? इधर से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा ए थ्री से? ए थ्री के पास दो इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 1/2 O2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ आएंगे, इधर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और इससे भी क्या होगा? प्रोटॉन ऊपर मूव कर जाएंगे, इधर मूव कर जाएंगे प्रोटॉन। अच्छा, अब ये सारे प्रोटॉन जब ऊपर जमा हो रहे हैं इस जगह पे, इधर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो गए, किस जगह? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको हम कहते हैं। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट जब बन जाता है, तो प्रोटॉन क्या करते हैं? डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। तो जब प्रोटॉन नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है? ए डी पी से इसी एनर्जी को यूज करके ए टी पी बना दिया जाता है। और ये जो प्रोटॉन है, इनको अगर हम इधर ले आए, ये दो इलेक्ट्रॉन भी है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये जो हम पढ़ते हैं ना, रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले हमने मुख्तलिफ जगहों पर रिलीज कराया, लेकिन वाटर अभी तक हमने रिलीज नहीं कराया था, ये वो वाटर बन गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं हमारे सेल्स में, वहाँ से माइटोकांड्रिया, और वहाँ से माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, और ये वो सात हाइड्रोजन लेके तो वाटर की फॉर्म में, फिर वाटर की फॉर्म में तब्दील हो जाती है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे जो एटीपी सिंथेसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे ना हो, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का होना यहाँ पे ज़रूरी है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, प्रोटॉन ऊपर मूव करेंगे, और जब ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन नीचे आएंगे तो एटीपी बन जाएंगे। तो इधर एटीपी के बनने की रिस्पांसिबल कौन हुई? ऑक्सीजन हुई। तो इसलिए यहाँ पे जो एटीपी सिंथेसाइज हुए, इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस है यहाँ पे, ये जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस है या नहीं? फोटोसिंथेसिस में भी इसी तरह थायलोकाइड की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला था, और एटीपी सिंथेसाइज हुए थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कपल्स विद द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यहाँ भी ऐसे ही है, लिहाजा इसको भी हम कीमियोऑस्मोसिस कहेंगे। एटीपी सिंथेसिस का ये मैकेनिज्म भी क्या कहलाएगा? कीमियोऑस्मोसिस कराएगा, जिस तरह वो था। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए दोनों को कंपेयर करें कि माइटोकांड्रिया, उसमें क्लोरोप्लास्ट में कीमियोऑस्मोसिस और इसके अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट की थायलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर जब कीमियोऑस्मोसिस हुआ था, तो वहाँ फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव किए थे। सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद प्लास्टो क्यूनॉन, उसके बाद क्या था, साइटोक्रोम थे, प्लास्टोसाइनिन थी, फोटोसिस्टम 1 था, उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद फेरिडॉक्सन और एनएडीपी रिडक्टेज। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उनमें कोई एंजाइम क्या हुआ है? साइटोक्रोम बी ए सी ए, साइटोक्रोम ए थ्री, और अच्छा उसमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिंथेसिस में क्या था? एनएडी, क्या था? एनएडीपी प्लस, और यहाँ पे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। अच्छा, उधर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से एनर्जी रिलीज होती थी, उससे जो प्रोटॉन मूव कराए जाते थे वो कहाँ थे? स्ट्रोमा से थायलोकाइड इंटीरियर स्पेस, ल्यूमन जिसको कहते हैं। जबकि यहाँ पे माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? आउटर कंपार्टमेंट में। ये बात भी समझ आ गई सब लोगों को? अब मुझे ये बताएं कि एक NADH जब NAD प्लस में कन्वर्ट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देता है, तो कितने ATP बनेंगे? 3 ATP बनेंगे। एक इस पोजीशन पे जब NADH से इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों में जाते हैं, दूसरा जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जाते हैं, और तीसरा जब साइटोक्रोम A3 से टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। ये तीन जगह आपने याद रखनी है जहाँ पे ATPs बनते हैं। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब है एक जो NADH है, ये कितने ATP बनवाएगा? 3 ATP बनाएगा। अब हम इसी तरह देखते हैं ये FADH जो है, क्या है FADH? हम लिखते हैं FADH2। ये जब आपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? कोएंजाइम क्यों को देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि यहाँ से कुछ प्रोटॉन ऊपर मूव कर सके, लिहाजा इस पहले स्टेप पे ये कोई ATP नहीं बनवा सकते। ये बात याद रखना। FADH क्या करते हैं? जब अपने इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों को देते हैं, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है कि यहाँ कोई ATP सिंथेसाइज हो सके, लिहाजा यहाँ पे कोई ATP नहीं बना। उसके बाद इसी के दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक ATP बन जाएगा। फिर इसके दो इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन के पास जाएंगे, एक ATP और बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो FADH है, ये कितने ATP बनाता है? 2 ATP बनाता है। जबकि NADH कितने बनाता है? 3 बनाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेम है दोनों के लिए, लेकिन एक में शुरू में ही एक ATP बन जाता है, दूसरे में ये शुरू वाला ATP नहीं बनता। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने याद रखना है कि NADH कितने ATP बनाता है? 3 ATP, और हमारे पास FADH2 कितने ATP बनाता है? 2 ATP। लेकिन हमारे पास जो NADH, ये जो NADH है जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए, कितने थे जी? 2 थे ना। ये दोनों कितने ATP बनाएंगे? 2 ATP बनाएंगे, ये 3 नहीं बनवाएंगे।
क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इसको सेल कंसीडर कर लें तो यहाँ से क्या हो रहा है जी, एन ए डी एच कौन से हैं ये जो ग्लाइकोलाइसिस में बने, किस में बने, इनको मूव करके माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाने और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्होंने यूज होते हैं। तो इसकी कुछ एनर्जी यहाँ पे, वैसे तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स मैकेनिज्म, आप वैसे याद रख लें कि जो माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ये खुद तो इंटर नहीं हो सकते, ये यहाँ पे खास किस्म के शटल सिस्टम होते हैं जिनके जरिए ये इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये एनएडीएच अंदर आके दो एटीपी देगा, दूसरा एनएडीएच भी अंदर आके दो एटीपी देगा, बाकी सारे एनएडीएच आरएडी का है माइटोकांड्रिया के अंदर, तो इसलिए वो तीन तीन एटीपी देंगे। तो फिर हम जरा इसकी एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं सारी की सारी। अच्छा, कितने ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में हमारे पास कितने एनएडीएच है, हमारे पास जो 6 एनएडीएच कौन से क्रेब्स साइकिल वाले, ये कितने एटीपी देंगे, 18। और इसी तरह हमारे पास 2 एनएडीएच कौन से, 2 एनएडीएच है हमारे पाइरूवेट एसिड ऑक्सीडेशन वाले, तो ये कितने एटीपी देंगे हमारे, ये 6 एटीपी देंगे। और इसी तरह हमारे पास 2 एनएडीएच कौन से ग्लाइकोलाइसिस वाले, ये हमें कितने एटीपी देंगे, 4 देंगे। अच्छा, हमारे पास जो एफएडीएच है ये कितने एटीपी देंगे, कितने एफएडीएच है, 2 है, तो ये 4 एटीपी देंगे। टोटल एटीपी कितने हो गए, 18 और 6 24 और 28 और 4 32। तो एक दफ़ा क्वेश्चन आया भी था कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने एटीपी बनते हैं, 32 एटीपी। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने एटीपी बनते हैं बच्चों, 32 एटीपी बनते हैं। इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, तो प्रोकेरियोट्स में एक ग्लूकोज के लिए जब रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा तो आप 34 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें माइटोकांड्रिया में जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम मीजोसोम की मेम्ब्रेन ही कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं कि पाइरूवेट कैसे अंदर इंटर हुआ, वहाँ भी एनर्जी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, असल में नेट गेन और भी काम हो जाता है, लेकिन हम आपकी बुक को फॉलो करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब हम टोटल एटीपीज देखते हैं, हमारे पास 32 एटीपीज ये आगे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले। और इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के जो डायरेक्ट एटीपी बने थे कितने थे, नेट गेन कितनी थी हमारे पास, 2 थी। और क्रेब्स साइकिल वाले, क्रेब्स साइकिल से जो डायरेक्ट एटीपी बने, 2। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 36 एटीपी। ये कैसे हुआ, 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले जो डायरेक्ट बने थे और 2 जो क्रेब्स साइकिल दो दफा चला था उसके जो बने, तो टोटल एटीपीज 36 इन केस ऑफ यूकेरियोट और प्रोकेरियोट में क्या होंगे, 38 बनेंगे।